हेलो गाइस, लव आराध्या के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ लेके आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस के वर्कशीट्स। सो आज हम शेयर करेंगे कुछ 10 ऐसे वर्कशीट्स जो आप डेली बेसिस पे बच्चों को करा सकते हो। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन हाई, मैं हूँ शुक्ला। मैं मेनली प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और होम स्कूलिंग रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज कलर द पिक्चर यूजिंग द कोड। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है जिसके ऊपर 1, 2, 3, 4 करके कुछ कोड्स हैं और इसी कोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कलर मैंने दिया हुआ है। सो जैसे यहाँ पे सन के पास 1 है तो क्या कलर करना है, लाइक सन 1 इज इक्वल्स टू येलो, सो आपको येलो कलर करना है। तो इस तरीके से इस पिक्चर को कलर करने हैं। द नेक्स्ट वन इज टिक द बिगेस्ट वन। सो यहाँ पे अभी तक क्योंकि हम बच्चों को क्या करवा रहे थे कि विच वन इज़ बिग एंड विच वन इज़ स्मॉल, सो अभी मैंने यहाँ पे 3 शेप्स दिया हुआ है। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, द बिगेस्ट वन, उसको टिक करना है, या तो सर्कल भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। आप इसको कलर करने को भी दे सकते हो, देन नंबरिंग भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। इस एक वर्कशीट को आप बहुत अच्छे से बहुत सारे वेराइटीज़ में भी अपने हिसाब से करवा सकते हो। द नेक्स्ट वन इज सर्कल द बिगनिंग लेटर। सो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडमली पिक्चर्स ड्रॉ किया है और जो बिगनिंग लेटर है उसको आप बच्चे को सर्कल करना है, लाइक ट्री, सो दे हैव टू सर्कल टी, फ्लावर एफ, डक डी, हैट एच, आइसक्रीम आई, एप्पल ए। सो इस तरीके से सारे इसमें आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट वन इज सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड। सो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है और यहाँ पे 2 अलग वर्ड्स लिखे हैं, जो भी इसका राइमिंग होगा आपको सर्कल करना है। सो इट इज MAT, मैट। मैट का राइमिंग वर्ड क्या होता है, मैट फैट, सो दे हैव टू सर्कल इट। फैन कैन, पॉट कॉट, पेट जेट, इस तरीके से करना है। नाउ दिस इज अनदर वर्कशीट, इट इज अनस्क्रम्बल वर्ड्स। सो यहाँ पे मैंने नंबर के नेम्स दिए हुए हैं, लाइक 1, 2, 4, 5। सो आप बच्चों को क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वर्ड है एंड इसको अनस्क्रम्बल करके यहाँ पे लिखना है, लाइक O N E 1, T W O 2, F O U R 4, FIVE। ये वाले वर्कशीट में आप बच्चों को मदद कर सकते हो सबसे पहले तो, क्योंकि न्यू करेंगे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर बहुत टाइम बच्चे ने ये प्रैक्टिस कर लिया तो उनके लिए वो इजी हो जाएगा, देन दे कैन डू इट बाय देयर सेल्फ ओनली, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ दिस इज सर्कल द ऑड वन आउट। सो यहाँ पे मैंने रैंडमली 3 कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है और किसी एक में मैंने कुछ डिफरेंट किया है, बच्चे को वो फाइंड आउट करना है और उसको सर्कल करना है। इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आई कॉन्टैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लाइक देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्रम्स दिया है, इस एक ड्रम में मैंने ये दिया हुआ है स्टिक्स, तो ये वाला अलग है इन तीनों से, तो इसको सर्कल करना है। यहाँ पे मैंगोज हैं, बस एक मैंगो में लीफ है, तो ये लीफ वाला अलग है, तो इसको सर्कल करना है। एंड ये सारे जो बोट्स हैं, इसमें बस ये, इसमें एक यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग लाइन दिया हुआ है, सो ये अलग है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट कम नेक्स्ट की एक्टिविटी। सो व्हाट कम नेक्स्ट में है, मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किया है जिसमें लाइक ग्रीन, देन ऑरेंज, देन ग्रीन, देन व्हाट कम नेक्स्ट, इट इज़ ऑरेंज, सो यहाँ पे ऑरेंज करना है कलर। यहाँ पे जैसे येलो, पिंक, येलो, सो व्हाट कम नेक्स्ट इज पिंक, देन स्काई ब्लू, वायलेट, स्काई ब्लू, सो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन वायलेट आएगा। सो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट मैच द कॉलम, लाइक यहाँ पे मैंने हाफ और यहाँ पे हाफ पिक्चर ड्रॉ किया है, बच्चों को क्या करना है, जस्ट द पिक्चर्स को मैच करने हैं। लाइक दिस इज द फ्रंट ऑफ द कार, सो इट इज़ द बैक वन, नाउ दिस इज द फ्लावर एंड इसका हाफ यहाँ पे है, ये है सन, सन का हाफ भी यहाँ पे है, सो इस तरीके से मैच करना है। नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड्स। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेटर अल्फाबेट्स के यहाँ पे जंबल्स कर दिया है और यहाँ पे कुछ
वर्ड्स मैंने दिया हुआ है जिसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके सर्कल करना है, लाइक सी ए टी कैट. सो हियर इज सी ए टी कैट. सो यहाँ पे इसको सर्कल करना है. सो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स यहाँ पे छुपे हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे सर्कल करना है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स के एक्टिविटीज दिया है. इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर, आपको पता होगा कि क्योंकि अभी हम ग्रेटर देन लेस देन सीख रहे हैं, तो अभी मैं डेली बेसिस पे उसको एक एज अ वर्कशीट देती हूँ जो मैं अभी उसको सिखा रही हूँ. सो ये है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स के वर्कशीट. अगर आपको अपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर किया है, सो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो दीज आर द 10 वर्कशीट जो मैंने आज बनाया है. सो आप भी ऐसे वर्कशीट बनाइए, अपने बच्चों के साथ कीजिए. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी के स्माइलिंग. बाय गाइज़.